गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अलीशा महाजन फ्रॉम बर्निंग लर्निंग डिज़ायर। और आज हम लाए हैं इंटरनेशनल बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट RBI ने बहुत ही अच्छी एक डेफिनेशन दी है। वो बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ स्टेटिस्टिकल स्टेटमेंट। वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हमें क्या क्या शो होता है। इट शोज़ ट्रांजेक्शन्स इन गुड्स सर्विसेज and income between an economy and the rest of the world. That is, जो transactions हो रही हैं वो आपकी country और दूसरी कंट्रियों के बीच में जो हो रही हैं, ठीक है, जब वो transactions equal हो जाएंगी, that is, for example, हमने transaction करी है US से 10 crores की, उन्होंने करी है 15 crores की, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है। जब वो भी 10 की करें, हम भी 10 की करें, तो दैट वुड बी कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो वो बोलते हैं ट्रांजेक्शन गुड्स सर्विसेज और इनकम की जब होएगी, तो बैलेंस का मतलब क्या है? करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, लिखिए करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये थियरी है। और अगर हमारे इसमें ज़ीरो नहीं आता तो हम एरर एंड ओमिशन करके उसको ज़ीरो बना देते हैं। सो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ कि दोनों तरफ से जो लेन देन हो रहा है तो उसमें हम बैलेंस करें, ठीक है। उसमें हमारा कैसे होना चाहिए, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। कैपिटल को हम के लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम अब डिटेल में करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो अभी हमने क्या किया है, मीनिंग इसका। उसके बाद आता है इसके कंपोनेंट्स। तीन कंपोनेंट्स है इसके। फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट, सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन इज गोल्ड अकाउंट। बेसिकली जो हमारा मेन है वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ही है। गोल्ड अकाउंट इतना हम यूज़ नहीं करते हैं। सो हमारे सिलेबस में भी करंट और कैपिटल अकाउंट ही है और अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट है, सबसे पहले इसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं करंट अकाउंट के, हम वो देखेंगे। करंट अकाउंट में आता है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट का क्या मतलब है यहाँ पर? नेट एक्सपोर्ट का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 10 रुपये का सामान बाहर भेजा और इम्पोर्ट हुआ है 9 रुपये। मीन्स आप इन्हें करोड़्स में बोल सकते हैं। 10 रुपये हमने एक्सपोर्ट किए हैं, 10 रुपये का सामान हमने एक्सपोर्ट किया, तो हमें मीन्स हमारी इनकम है 10 रुपये। और हमने इंडिया से रुपीज़ भेजे हैं बाहर, वो है 9 रुपये। इट मीन्स हमने फॉरेन से अमेरिका से हमने 9 रुपये का सामान लिया, तो नेट एक्सपोर्ट यहाँ पर हुआ 1 रुपया, ठीक है, दैट इज़ 1 करोड़। जनरली हम बाहर की कंट्री से ज़्यादा ही सामान मंगवाते हैं, तो जनरली ये उल्टी सिचुएशन है, दैट इज़ 9 रुपये हमारी इनकम होती है और 10 रुपये USA की इनकम होती है, तो हमें हमारा नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव पे चलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नेट एक्सपोर्ट की, तो वो हम बात पॉजिटिव सेंस में ही करेंगे। तो नेट एक्सपोर्ट क्या है, आपको क्लियर हो गया होगा, हमने जो एक्सपोर्ट किया और फॉरेन कंट्री ने जो एक्सपोर्ट किया है सामान, उसका उसकी इनकम का डिफरेंस, दैट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, दैट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज इक्वल टू नेट एक्सपोर्ट। किसका करना है? गुड्स और सर्विसेज का। दोनों चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती हैं। सर्विसेज कैसे? लाइक डॉक्टर की सर्विस है, ठीक है, इंडिया के डॉक्टर बाहर जा रहे हैं, दैट इज़ एक्सपोर्टिंग ऑफ सर्विसेज। बाहर से आ रहे हैं, दैट इज़, जैसे जनरली इंडिया के क्या जाते हैं, आप सबको पता ही होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा? इंजीनियर्स, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है करप्शन के कारण, तो बहुत सारी सर्विसेज जनरली हमारे इंडिया के लोग बाहर जाते हैं और ये करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट जिसमें हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट में हमारा क्या आता है,
करंट अकाउंट में हमारा क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज। दूसरा है नेट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड। नेट ट्रांसफ़र फ्रॉम अब्रॉड का क्या मतलब है, सबसे पहले ट्रांसफ़र्स क्या है। ट्रांसफ़र हम क्या करते हैं, हमें ट्रांसफ़र हुआ है, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र की हम बात करते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब है हमारे इंडिया से फॉरेन में कोई कुछ गया है, वो वहाँ से बहुत सारी इनकम उसने कमाई है और जो सेविंग करी है वो इंडिया में भेज रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र का मतलब हमारे यहाँ पर है कि फॉरेन में जो हमने इनकम अर्न करी है उसे हम इंडिया में लेकर आ रहे हैं एज ए सेविंग्स, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ इनकम दैट इज़ अर्न इन फॉरेन, सो ट्रांसफ़र ऑफ इनकम कहाँ पर होगी, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम टू इंडिया, इंडिया में इनकम को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा ट्रांसफ़र क्या होता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ट्रांसफ़र कैसे हो सकते हैं, ट्रांसफ़र जो हमारा हो सकता है मैंने एक आपको बता दिया, फॉरेन से करना, उसे हम उसका दूसरा नाम है रेमिटेंस। जो फॉरेन से कमाकर सेविंग करना होता है उसे उसका नाम है रेमिटेंस, उसे रेमिटेंस बोलते हैं। ट्रांसफ़र करने के और भी तरीके हैं, गिफ्ट्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाए, फॉरेन एड हमें मिले, फॉरेन हेल्प मिले, जैसे सीरिया को अब फॉरेन हेल्प की ज़रूरत है, हमारे पंजाब के सिख लोग उन्हें खाना भेज रहे हैं तो दैट इज़ उन्हें खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड यहाँ से वहाँ से इंडिया से बाहर कुछ जाए, दैट इज़ सीरिया में अगर जा रहा है तो दैट इज़ फॉरेन एड, इसे भी ट्रांसफ़र कहते हैं। ठीक है, गिफ्ट्स देना, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ट्रांसफ़र में। सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम में आपके आते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपने कोई वहाँ पे बिजनेस किया है वहाँ पर आपको प्रॉफिट्स होंगे, तो पहला आपका क्या हो सकता है इन्वेस्टमेंट इनकम में, प्रॉफिट्स। ओवरसीज आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट की है, वहाँ से आपको आ रहे हैं प्रॉफिट्स। आपने किसी को लोन दिया है उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने शेयर्स खरीद रहे उसके आपको डिविडेंड मिल रहा है, शेयर्स खरीदे हैं किसी फॉरेन कंपनी के वहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड्स तीन चीज़ें, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड, तो ये सारी चीज़ें हो गई है हमारे करंट अकाउंट के अंदर आता क्या क्या है। करंट अकाउंट में हमारा एक और चीज़ आती है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। ये आपको बाद आप ये टर्म्स तो सुनी होंगी लेकिन आपको इतना नहीं पता ये कौन से अकाउंट में आता है, कैपिटल में आता है, करंट में आता है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट है रिमेंबर करने का, इट इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट एंड इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स। इट इंक्लूड्स ओनली विजिबल आइटम्स। तो अब आप बोलेंगे इन विजिबल आइटम्स क्या है, तो उसके साथ आपका एक पॉइंट जुड़ जाता है इनविजिबल आइटम्स का भी। तो एक करंट अकाउंट में देखिए तो आपको पता लगेगा विजिबल आइटम्स क्या है। ठीक है, विजिबल आइटम्स क्या है जिनको हम टच कर सकते हैं, गुड्स, सर्विसेज हमारी इनविजिबल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए विजिबल आइटम्स क्या है, गुड्स, गिफ्ट्स वगैरह भी ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ें आ गई, और जो इनविजिबल है वो होती है हमारी सर्विसेज। सर्विसेज हमारी क्या है, इनविजिबल। और आइटम्स हम देखते हैं, डिस्कस करेंगे हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए कि विजिबल आइटम्स कौन सी होती है, इनविजिबल कौन सी होती है। प्लीज़ राइट इट डाउन, विजिबल आइटम्स सबसे पहले देखिए विजिबल आइटम्स कौन सी होती है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सबसे पहले क्या आ जाते हैं, गुड्स। एक तो है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, दूसरे हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड कंपोनेंट्स। सेमी फिनिश्ड तो अभी पूरी तरीके से अभी बने नहीं है,
तीसरा है रॉ मटेरियल, मींस गुड्स की तीन टाइप्स होती है ना, फिनिश प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स, सब आ जाएंगे। फिर उसके बाद और क्या आता है विजिबल में, कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है, ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम बहुत देर तक रहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, जैसे कार है, आज खरीदी ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, अगले दिन डिस्ट्रॉय थोड़ी करोगे, ठीक है। तो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं एक, दूसरे नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल मतलब फूड का, कर्ड हो गए जैसे, पेरिशेबल गुड्स हो गए ना, जो ज़्यादा देर तक नहीं, उसी टाइम खाना पड़ेगा, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, नॉन ड्यूरेबल, या खाना सिंपली कितनी देर तक रख लोगे। तो सेकेंड इज़ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड इज़ कैपिटल गुड्स। विजिबल में कैपिटल गुड्स भी आते हैं, अभी हम कैपिटल गुड्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन विजिबल आइटम्स की मैं आपको बता रही हूँ। कैपिटल गुड्स क्या हो गया, आपने कोई इक्विपमेंट खरीदी है, इक्विपमेंट मशीनरी खरीद ली, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाती है, विजिबल आइटम्स। दूसरा है, अगर विजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं तो इनविजिबल आइटम्स भी कुछ होती है। इनविजिबल आइटम्स क्या होती हैं, कॉपी पेन निकालिए और देख लिखिए, इनविजिबल आइटम्स कौन सी होती हैं। इनविजिबल आइटम्स में पहली आ जाती है आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंसल्टेंसी, ठीक है। दूसरी है हमारे पास, जो हम स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग। दूसरी क्या है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनानी है अभी। थर्ड वन इज टूरिज्म इंडस्ट्री, जो आप टूर्स पे जाते हैं। फोर्थ वन इज लिखिए, फोर्थ वन इज एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। फिफ्थ वन इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सिक्स्थ इज कल्चरल आर्ट्स। ये सब हो जाती हैं आपकी इनविजिबल आइटम्स। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या आता है, सिर्फ विजिबल आइटम्स आती हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिचुएशंस होती कौन सी है, ठीक है, ये तो होगी, आता क्या क्या, इसमें सिचुएशंस होती हैं एक न्यूट्रल, एक फेवरेबल और अनफेवरेबल। न्यूट्रल सिचुएशन का क्या मतलब हुआ, न्यूट्रल सिचुएशन कब होती है, व्हेन एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट, ठीक है। फर्स्ट वन इज फेवरेबल सिचुएशन। फेवरेबल सिचुएशन जब क्या होगी, जब एक्सपोर्ट, हम ज़्यादा अपना इंडिया के गुड्स बाहर भेजेंगे, देन इम्पोर्ट, दिस इज फेवरेबल सिचुएशन। अनफेवरेबल कब होगी, जब इम्पोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। तो ये हमारी सिचुएशन है न्यूट्रल, ये हमारी है फेवरेबल, ये है इनफेवरेबल, अनफेवरेबल सॉरी। फेवरेबल को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज़ इसको बोलते हैं, फेवरेबल को हम बोलते हैं ट्रेड सरप्लस, और अनफेवरेबल को बोलते हैं हम ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, सो इससे आपको पता लग गया, करंट अकाउंट में इनविजिबल आइटम्स आती है, इनविजिबल करंट अकाउंट में हमारा क्या है, आगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारी विजिबल आइटम्स आती है, और इसकी तीन सिचुएशंस होती हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल एंड न्यूट्रल। जनरली फेवरेबल और अनफेवरेबल होते, कभी वो न्यूट्रल वाली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कभी इक्वल नहीं होते, जनरली हमारे इंडिया में अनफेवरेबल सिचुएशन ही होती है। आगे बैलेंस ऑफ ट्रेड को कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये देखेंगे हम, बैलेंस ऑफ ट्रेड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर तो आपको लाइक अपने इंडिया में चीज़ सस्ती पड़ रही है, तो आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे और इम्पोर्ट कम करोगे, जनरली इम्पोर्ट कम करोगे, आप बाहर से नहीं मंगवाओगे, इसका ये रिलेशन इससे है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ती पड़ रही है, तो आप इम्पोर्ट नहीं करोगे। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर अवेलेबिलिटी है आपके इंडिया में, तो आप इम्पोर्ट नहीं करोगे। एक्सचेंज रेट आपने देखना है, अगर बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, तो आप नहीं खर्चोगे। प्राइस ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो आपने प्राइस लगाना, अगर आपका वही कवर नहीं हो रहा, आपका वही बहुत ज़्यादा हो गया, तो तब आप नहीं करोगे। ऑन द अदर हैंड, इसके दूसरे सिनारियो भी हैं, अगर आपको बाहर से चीज़ें सस्ती पड़ रही हैं, तो आप ये सारे
इनको पॉजिटिव वे में लोगे, इनको पॉजिटिव वे में लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है दो ही अकाउंट से जुड़ा हुआ है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में आप, कैपिटल अकाउंट आपको पता ही है जिसमें कैपिटल चीज़ें होती है, कैपिटल दैट इज़ नॉट फॉर अ करंट ईयर, दैट इज़ फॉर मोर देन वन ईयर, और करंट अकाउंट में एक साल के अंदर अंदर जो चीज़ें हम करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट क्या हमारा होता है, कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो। इनफ्लो कैसे होगा कैपिटल का, कैपिटल का इनफ्लो और आउटफ्लो है ना, कैपिटल इनफ्लो कब होगा, जब फॉरेन की कंपनी इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, और आउटफ्लो कब होगा, जब हम इन्वेस्ट करेंगे अब्रॉड में, जब हम इन्वेस्ट करेंगे अब्रॉड में। कैपिटल अकाउंट के भी आगे टाइप्स हैं, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक लोन्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पता है आपको इंडिया में बहुत सारी FDIs हैं, ठीक है। द सेकेंड पॉइंट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होती है, ये हॉट मनी से भी बोला जाता है, ये जनरली रिलायबल नहीं होती, क्योंकि ये जहाँ पर इसे बेनिफिट मिलता है वहाँ पर भाग जाती है। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, जो FIIs होते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी इनसे कैपिटल को रेज कर सकते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके। और दूसरा लोन्स, दूसरा हमारे पास लोन्स लेकर, एक्सटर्नल असिस्टेंस, असिस्टेंस होती है हेल्प, हमें फॉरेन से, फॉरेन की हेल्प चाहिए तो वो फॉरेन असिस्टेंस इससे हमें मिल जाता है। दूसरा कमर्शियल बोरोइंग्स, हम बोरो करते हैं फंड्स। तो कैपिटल अकाउंट जनरली होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स, रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ डोमेस्टिक एसेट माइनस स्पेंडिंग ऑन बाइंग ऑफ फॉरेन एसेट। हमारी इंडिया की एसेट अगर बाहर हम सेल करते हैं तो वहाँ से हमें कितना रिसीट मिलता है। हम करंट अकाउंट में किसकी बातें करते थे, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, वो करंट एक ईयर में, लेकिन यहाँ पर हमने एसेट्स की बात करनी है, और एसेट्स होती है लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। तो लॉन्ग टर्म एसेट को बेचकर हमें जो फ़ायदा मिलता है उसे हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, और स्पेंडिंग, और ऑन द अदर हैंड अगर हमने कुछ बाय परचेज करा है फॉरेन एसेट तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंस होगा वो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। इसमें भी वो तीन सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं, इसमें भी तीन सिचुएशंस वही अराइज हो जाती हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल। अगर इनफ्लो हमारा ज़्यादा है आउटफ्लो से तो हमारा कैपिटल सरप्लस है, कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है। अगर इनफ्लो इज इक्वल टू आउटफ्लो, जो कि सिचुएशन का भी अराइज नहीं होती, न्यूट्रल, और अगर इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो तो ये हमारा डेफिसिट हो जाता है। दोनों अकाउंट्स के बारे में देखने के बाद अब हम करेंगे इनके डेफिसिट के बारे में। चलो ये अकाउंट्स तो हो गए, इनमें डेफिसिट, दैट इज, डेफिसिट का मतलब क्या है, जब इंडिया के हाथ में पैसा कम है, फॉरेन में ज़्यादा है, ठीक है। हमने दोनों अकाउंट्स कर लिए ना, करंट अकाउंट कैसे हो सकता है डेफिसिट में और कैपिटल अकाउंट कैसे हो सकता है, तो हम करते क्या इन सिचुएशंस में, अब हम वो डिस्कस करेंगे। अगर तो पहले हम देखते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसमें क्या है, हमारा जो नेट रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट है, जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो कब होता है, पहले करंट अकाउंट डेफिसिट को दोबारा कर लेते हैं, जब हमारा एक्सपोर्ट लेस देन होता है इम्पोर्ट से, व्हेन इम्पोर्ट इज़ ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तब हम क्या बन जाते हैं, नेट डेटर्स, नेट डेटर्स। आपको पता है ना डेटर्स का मतलब,
तो हम इसको ऑफसेट कैसे करते हैं? मींस अगर हमारे करंट अकाउंट नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, करंट अकाउंट अगर हमारा नेगेटिव चल रहा है, तो हम उसे सेट ऑफ कैसे करेंगे? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किया हुआ ना आपने, हम इसे सेट ऑफ कैसे करेंगे? हम इसे सेट ऑफ करेंगे जो कैपिटल अकाउंट का हमारा सरप्लस है, अगर उसमें सरप्लस है तो हम उससे सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, अगर हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है, अगर हमारा कैपिटल अकाउंट सॉरी डेफिसिट में है, तो हम क्या करेंगे? तो हम करंट अकाउंट में अगर सरप्लस है, तो अगर हमारे करंट अकाउंट में सरप्लस है, दैट इज ज़्यादा अमाउंट है, तो हम वहाँ से सेट ऑफ कर लेंगे। तीसरी सिचुएशन, अगर हमारा करंट अकाउंट भी डेफिसिट में है, कैपिटल अकाउंट भी डेफिसिट में है, दोनों डेफिसिट में है, तो क्या होगा? तब उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। पहले सिचुएशन में क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, तो उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी बोलते हैं। तब उसे क्या बोलते हैं हम? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो तब क्या होता है? तब सेंट्रल बैंक आरबीआई, ठीक है, वो क्या करते हैं? इंटरवेन करते हैं, दैट इज़ दखल अंदाजी करते हैं, और जो फॉरेक्स रिज़र्व है, फॉरेक्स मार्केट से पैसा लेकर ये करते हैं, इसको पेमेंट करते हैं। तो फॉरेक्स रिज़र्व क्या होता है? फॉरेक्स रिज़र्व में हमारे पास जनरली 3 आइटम्स होती हैं फॉरेक्स रिज़र्व में, ये भी नोट डाउन कर लो। फॉरेक्स रिज़र्व में हमारी 3 आइटम्स होती हैं। फर्स्ट, फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। फॉरेन करेंसी मतलब हमारे पास डॉलर्स है, यूरोज़ है, पाउंड्स है, स्टर्लिन है, येन है, वो सारी फॉरेन करेंसीज हमारी। सेकेंड, गोल्ड हेल्ड बाय आरबीआई। थर्ड इज़ एसडीआर। एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये भी हम देखेंगे, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। आगे के लेक्चर में हम और इनके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।